Now, the another question is, if the sum of n terms of an AP is np plus 1 by 2n into n minus 1 bracket q, where p and q are constants, find the common difference. मतलब किसी AP के अंदर हमें sum of n terms का expression ये given है, हमें इसका common difference find करना होगा. तो start करते हैं. Let small a be the first term and small d be the common difference of AP. We are given Sn equal to np plus half n into n minus 1 into q. This is the first equation. अब आपने 10th class में किया है कि अगर हमें common difference निकालना हो तो हमें two terms चाहिए होंगी continuous, that is a2 minus a1. तो common difference का formula क्या होता है? D equal to a2 minus a1. अब a2 a1 कैसे आएगा? तो देखिए, Sn है, इसमें आप n को 1 put कर देंगे और 2 put कर देंगे. ठीक है, इन इक्वेशन वन वी गेट. जैसे हम वन पुट करेंगे एस वन आएगा, वन पुट करते ही ये जीरो हो जाएगा और यहाँ वन आते ही ये पी हो जाएगा. तो एस वन की वैल्यू पी आ गई. और एस वन क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट टर्म. सम ऑफ फर्स्ट टर्म मीन्स फर्स्ट टर्म. तो फर्स्ट टर्म क्या होती है? ए वन. और इसको हम ए से डिनोट भी करते हैं. अब एस टू डालेंगे इसमें, एस टू एन को टू डालेंगे तो एस टू हो गया, टू पी हो गया. और टू डालते यहाँ से टू कैंसिल हो गया और यहाँ से टू माइनस वन वन क्यू हो गया, तो ये क्यू आ गया. तो यहाँ से आ गया टू पी प्लस क्यू. तो एस टू की वैल्यू टू पी प्लस क्यू आ गई. अब आपने 10th क्लास में किया है, क्या किया है? ए टू सेकेंड टर्म निकालनी हो तो वो क्या होता है? एस टू माइनस एस वन. तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म में से अगर सम ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो सेकेंड टर्म आएगी. ठीक है, तो एस टू की वैल्यू टू पी प्लस क्यू रख देंगे और एस वन की वैल्यू यहाँ से पी रख देंगे. जरा एस वन की वैल्यू पी सॉल्व करके ये पी प्लस क्यू आ जाएगा. तो सेकेंड टर्म जो है आपकी वैल्यू उसकी पी प्लस क्यू आ जाएगी. अब नाउ डी. डी आपको पता है कॉमन डिफरेंस है, क्या होता है? ए टू माइनस ए वन. ए टू की वैल्यू पी प्लस क्यू है और उसके बाद हमारे पास ए वन की वैल्यू, ये रही ए वन की वैल्यू पी है, पी से पी कैंसिल हो गया और डी कितना आ गया आपके पास? क्यू आ गया. तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको इस तरह से आप कर सकते हैं. यस, एक कॉन्सेप्ट मैं और बता दूं आपको. इफ़ इन ए सीक्वेंस, अगर किसी सीक्वेंस के अंदर एस एन दिया है ए एन स्क्वेयर प्लस बी एन, ठीक है, ए एन स्क्वेयर प्लस बी एन मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है बट इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होनी चाहिए, ए एन स्क्वेयर प्लस बी एन. तो ये जो सीक्वेंस होगी, अगर किसी सीक्वेंस के अंदर उसकी एन टर्म का सम ये एक्सप्रेशन है ए एन स्क्वेयर प्लस बी एन, देन दी सीक्वेंस इज एन ए पी. तो सीक्वेंस आपकी क्या होगी? ए पी होगी विद कॉमन डिफरेंस टू ए होगा. तो उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो टू ए मीन्स टू टाइम कॉफिशेंट ऑफ एन स्क्वेयर होगा. ये मैंने क्यों बताया आपको? क्योंकि पिछला क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये एस एन था. तो आप देखेंगे तो इसमें अगर मैं सॉल्व करके देखूँ तो इसके अंदर ये एन पी है, हाफ एन स्क्वेयर क्यू. ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है? एन स्क्वेयर क्यू. तो बिल्कुल इससे मैच कर रहा है, एन की टर्म भी है और एन स्क्वेयर की टर्म भी है. अगर मैं बिना सॉल्व किए इसका आंसर देना चाहता हूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ कि हाफ एन स्क्वेयर. देखिए, अगर इसको मैं रफ में करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे जो ये टर्म बनेगी ये बनेगी हाफ एन स्क्वेयर क्यू. ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि इसमें एन स्क्वेयर का जो कॉफिशेंट है वो हाफ क्यू है एन स्क्वेयर का. ठीक है, अब मेरा जो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए इसके हिसाब से? ठीक है, इसके हिसाब से जो एन स्क्वेयर का कॉफिशेंट है उसका क्या होना चाहिए? डबल होना चाहिए. तो ये डबल कर दिया, टू से टू कैंसिल हो गया. तो देखिए आंसर क्या आ गया? क्यू. ये यहाँ पर आंसर आया आपका. तो आप इस तरह से इस कॉन्सेप्ट का यूज़ भी करके कॉमन डिफरेंस कर सकते हैं. बट आपको ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका यूज़ नहीं करना, आपको इस तरह से करना है. अगर वन मार्क का क्वेश्चन है तो आप ऐसा कर सकते हैं. क्लियर हो गया कि अगर किसी सीक्वेंस में एस एन ए एन स्क्वेयर प्लस बी एन होता है तो वो सीक्वेंस ए पी होती है जिसका कॉमन डिफरेंस सिंपली एन स्क्वेयर के कॉफिशेंट का डबल होता है. तो ये मैंने आपको करके दिखा दिया, इस तरह से कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को. वी टेक अनदर क्वेश्चन. The sum of n terms of two arithmetic progressions are in the ratio 3n plus 8 bracket is to 7n plus 15 bracket. Find the ratio of their 12th terms. तो ये बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने स्टार मार्क कर दिया. ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन है, हो सकता है आपने 10th में किया हो तो एक बार फिर से देख लेते हैं.
तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इन दी रेशो दिस वन, तो 12 टर्म का रेशो हमने फाइंड करना है। अब इसके लिए सबसे पहले हमें सपोज करना पड़ेगा जो टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हैं, ठीक है, उसमें ए वन ए टू डी वन डी टू मतलब फर्स्ट टर्म्स और कॉमन डिफरेंसेस सपोज करने होंगे। तो लेट ए वन ए टू एंड डी वन कोमा डी टू बी दी फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंसेस ऑफ दी फर्स्ट एंड सेकेंड ए पी रिस्पेक्टिवली। नाउ वी आर गिविन बाय द गिवन कंडीशन वी हैव सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ फर्स्ट ए पी बाय सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ सेकेंड ए पी। ये कितना दिया हुआ है, रेशो दिया हुआ है 3n+8/7n+15। अब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ फर्स्ट ए पी क्या बनेगा, अगर फर्स्ट ए पी की फर्स्ट टर्म ए वन है और कॉमन डिफरेंस डी वन है तो क्या बनेगा, एन बाई टू ब्रैकेट टू ए वन प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट डी वन ब्रैकेट क्लोज, और नीचे क्या आएगा एन बाई टू। सिर्फ यहाँ क्या फ़र्क पड़ेगा, यहाँ ए वन डी वन है, यहाँ ए टू डी टू हो जाएगा, तो मतलब टू ए टू प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट डी टू ब्रैकेट क्लोज, ये सेम रहेगा, इसको टच नहीं करेंगे आप इस तरफ। इसके बाद सॉल्व करने के बाद देखेंगे एन बाई टू से एन बाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा, आप यहाँ तक बड़े आराम से आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ जाके आगे जो मैंने किया है आपको क्लियर नहीं होने वाला, क्योंकि इसके लिए मुझे थोड़ा सा क्लियर करना होगा कॉन्सेप्ट। तो आप इसमें रफ में देखेंगे, इधर देखिए मुझे क्या फाइंड करना है, इसमें ट्वेल्थ टर्म का रेशो मतलब ए वन प्लस इलेवन डी वन बाई ए टू प्लस इलेवन डी टू, ठीक है, ये क्या है क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन मार्क है। अब क्या करूँ मैं यहाँ तक आ चुका हूँ, और अगर मैं इससे कंपेयर करता हूँ, देखो मुझे यहाँ जाना है ना, अब मुझे यहाँ जाना है, तो यहाँ ए वन है, यहाँ पे तो टू ए वन है और नीचे ए टू है, यहाँ भी टू ए टू है, तो मुझे ये टू नहीं चाहिए। अब टू नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, डिवाइडिंग न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑन लेफ्ट हैंड साइड इस तरफ बाय टू, तो मैंने ऊपर नीचे टू से डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा ए वन प्लस एन माइनस वन बाई टू, यहाँ टू से डिवाइड करना होगा डी वन, ऐसे नीचे आएगा ए टू प्लस एन माइनस वन बाई टू इंटू डी टू, ये सेम रहेगा। अब फिर से मैं इसको फिर से कंपेयर करूँगा इससे, देखिए आपके पास ए वन बाई ए टू है ना, ए वन ऊपर है ए टू नीचे, बिल्कुल मैच कर गया, यहाँ प्लस आ गया प्लस, ये प्लस आ गया प्लस आ गया, यहाँ डी वन डी टू भी आ गया, डी वन डी टू भी आ गया, बस एक चीज़ का फ़र्क है, ये वैल्यू मुझे किससे रिप्लेस करनी चाहिए, इलेवन से, क्यों, ऊपर नीचे इलेवन है, यहाँ भी ऊपर नीचे सेम वैल्यू है, तो हमें बस सिंपली क्या करना होगा, ये इलेवन को पुट कर देना होगा एन माइनस वन बाई टू के सामने, तो पुट एन माइनस वन बाई टू को क्या पुट कर देंगे इलेवन, लेकिन यहाँ तो एक्सप्रेशन है नहीं, यहाँ भी तो एन को रिप्लेस करना पड़ेगा, आप यहाँ पे इस वैल्यू को इलेवन से रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब अगर मैं सॉल्व करके देखूं तो आप एन को क्या पुट करने जा रहे हैं, 23, 11 जो 2 20 2 प्लस 1 3 23 हो गया, तो एन को 23 पुट करने जा रहे हैं, है ना, इन इक्वेशन वन, तो क्लियर हो गया, इधर इसको आप 11 पुट करेंगे और कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ एन को आप 23 पुट करेंगे, कुल मिला के अगर एन को सीधा भी 23 डालते हो तो ये सॉल्व करके 11 ही आएगा। चलिए सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करने के बाद ये 11d1 हो गया ऊपर नीचे 11d2, बाकी सेम इधर, और इधर n की वैल्यू को आप 23 पुट कर देंगे, सॉल्व करने के बाद ये 77 आएगा और नीचे 176 आएगा, और इसको हम कैंसिल करेंगे एक फैक्टर इसमें से 11 का, ठीक है, तो 11 7 और 11 16 हो जाएगा, 7/16, तो आपके पास क्या आ गया, 12th टर्म ऑफ फर्स्ट ए पी। अब ये क्या बना, ये बना 12th टर्म ऑफ फर्स्ट ए पी, और ये क्या आया 12th टर्म ऑफ सेकेंड ए पी, तो 7/16 आ गया। तो अभी इसका रेशो हम लिख देते हैं, ये रेशो क्या है, रिक्वायर्ड रेशो 7/16, यही तो रेशो चाहिए हमें, क्या क्वेश्चन था, फाइंड द रेशो ऑफ देयर 12th टर्म्स, तो ये 12th टर्म फर्स्ट ए पी की है, 12th टर्म सेकंड ए पी की है, तो ये देखिए देखिए रिक्वायर्ड रेशो क्या हो गया 7:16, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, द इनकम ऑफ ए पर्सन इज ₹3 लाख इन द फर्स्ट ईयर एंड ही रिसीव्स एन इंक्रीज ऑफ ₹10,000 टू हिज इनकम पर ईयर फॉर दी नेक्स्ट 19 ईयर्स, फाइंड दी टोटल अमाउंट ही रिसीव्ड इन 20 ईयर्स। मतलब एक पर्सन है, फर्स्ट ईयर में उसकी इनकम 3 लाख रुपये की है, ठीक है, उसके बाद उसको इंक्रीज मिलता है 10,000 रुपीज़ का हर साल, ठीक है, या पर ईयर, और नेक्स्ट 19 ईयर्स तक मिलता जाता है। इसका मतलब फर्स्ट ईयर में उसकी जो इनकम है वो 3 लाख है, उसके बाद कितनी होगी, 3 लाख के बाद 3,10,000, 3,20,000, इस तरह से। फाइंड दी टोटल अमाउंट ही रिसीव्ड इन 20 ईयर्स, तो उसको 20 ईयर्स में कितना पैसा मिल जाएगा या मिलेगा।
तो हम देखते हैं दी अमाउंट रिसीव्ड बाय दी पर्सन इन वेरियस ईयर्स फॉर्म एन एपी। तो हमें पता चल गया यहाँ से, क्योंकि हर साल सेम इंक्रीमेंट होता है। अब सेम इंक्रीमेंट होता है 10,000, 10,000, 10,000, तो वो डी हो गया और ए के हो गया जो फर्स्ट टाइम उसको इनकम रिसीव हुई, दैट इज 3 लैक्स। तो इसका मतलब जो अमाउंट्स वो रिसीव करेगा वेरियस ईयर्स में, वो एक एपी बनाएंगे। उस एपी की फर्स्ट टर्म, उस एपी की जो फर्स्ट टर्म होगी दैट इज़ ए, वो 3 लाख होगी और डी 10 लाख होगा, 10,000 होगा सॉरी, और एन की वैल्यू 20 होगी। क्यों? क्योंकि 20 ईयर्स में उसको देखना है कितना पैसा उसको मिला। तो रिक्वायर्ड सम, रिक्वायर्ड अमाउंट जो उसको रिसीव होगा, देयर फॉर रिक्वायर्ड अमाउंट दैट इज़ दी सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ दिस एपी। तो फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे एन की वैल्यू 20 है, ये 20 आ गया बाय 2 2a, ए की वैल्यू 3 लाख है प्लस एन माइनस 1, 20 माइनस 1 इंटू डी, डी इज 10,000। अब इसको जो सॉल्व करेंगे ये 10 आ जाएगा, ये 6 लाख आ जाएगा और ये 1,90,000 आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे 7,90,000 और ये 10 से इंटू करेंगे 79 लैक्स हो गया। इसका मतलब देयर फॉर रिक्वायर्ड अमाउंट इज रुपीज 79 लैक्स। ये सिंबल रुपीज का आजकल दूसरा सिंबल यूज़ होता है, जो भी आपको क्वेश्चन में दिखाई दे वही यूज़ करेंगे, ठीक है। नॉर्मली जो सिंबल है वो आजकल ये वाला यूज़ हो रहा है, ठीक है जी। तो आप इसका यूज़ भी करेंगे अगर आपके क्वेश्चन में दिखाई देता है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे ये वाला सिंबल यूज़ किया, इसलिए आंसर में भी यही सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हमने किए। तो आपको एक असाइनमेंट मिलेगी, उसमें आप ऐसे कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन होंगे, उनको आप सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है, प्रेजेंटेशन थोड़ा ध्यान से करना है। 10th क्लास में क्या होता है, हम कहते हैं बच्चा छोटा है तो वो मिस्टेक कर देता है, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट इज़ ओके। लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट के साथ आपका प्रेजेंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।